ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। अब सलाहकार ने जो मुझे जानकारी मिली है अपना बयान पूरी तरीके से उन्हें वो कर दिया है, उसमें उन्हें कह दिया ये मेरा निजी मामला है और मैं पहले से कुछ कहा है उन्होंने जो कुछ कहा है और मैं समझता हूँ उसकी लाइट में अब वो मामला वहीं समाप्त हो गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कांग्रेस किसी भी ऐसे किसी व्यक्ति का भी बयान हो जो जम्मू कश्मीर को लेकर के या दूसरे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर कोई ऐसा बयान देता है जिससे देश की संवेदनाओं को चोट पहुंचती है तो हम उसकी निंदा करते हैं। वो एसोसिएट रहेंगे आपके प्रदेश अध्यक्ष के एडवाइजर के तौर पे? ये श्री सिद्धू जाने हमको जो चाहिए था वो उन्होंने कह दिया कि मैंने सिद्धू के एडवाइजर के तौर पर ये बयान नहीं दिया। अभी नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको फैसले लेने की आजादी नहीं मिलेगी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। वो पार्टी का ईंट से ईंट बजा देंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का बजा देंगे, किसकी ईंट से ईंट बजा देंगे? मैं अपने पार्टी अध्यक्ष, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष है, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं। सर उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट हो? सर आजादी किससे मांग रहे हैं सर? वो नहीं नहीं या तो उनको फैसले लेने की आजादी आप लोग नहीं दे रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको लेकिन आपका था कि सरकार हटाए जाएंगे तो क्या निशाना आपके ऊपर वो लगा रहे हैं सिद्धू साहब? देखिए सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है और क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है तो बात खत्म है। सर मनीष तिवारी ने और सबने कहा कि इन लोगों को हटाया जाना चाहिए, इन लोगों को हटाया जाना चाहिए। सोनिया जी से मुलाकात का आज कोई संभावना है? आज मिलेंगे सोनिया जी से, वेणुगोपाल से, राहुल जी से, किसी से? मैं कल, आज तो मैं कुछ अपने निजी काम में व्यस्त हूँ, कल मिलूंगा। और राहुल जी से मिलेंगे और दोनों से? कितने बजे कल मुलाकात है सर सोनिया जी? मैं अभी तय नहीं। आप देहरादून में थे? मैं उनका जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं उनके सामने जो भी चीजें हैं और वो सब। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, तीन मंत्री, कल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया एमपी और सांसदों के साथ, आपको लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश है? पार्टी टूट की और बढ़ रही है, कैप्टन साहब की एक तरफा ताकत कल दिखी है? मैं समझता हूँ कोई ताकत वाली बात, किसी के वहाँ खाना खाने के लिए जुटना ताकत की सर, बात ये तो है। अच्छा, और उसको किस तरीके से इस चीज को रखा जाता है ये पंजाब के नेताओं को खुद देखना है कि उनके किसी एक्शन को बाहर गलत ना इंटरप्रेट किया जाए और जिससे कांग्रेस को तकलीफ हो, पंजाब कांग्रेस को ही तकलीफ हो और देश में भी कांग्रेस को तकलीफ हो तो उस रूप में कोई काम नहीं करना। लेकिन सर आपसे देहरादून लेकिन मैं आए थे, किसी के घर बुलाने इसमें जो है कोई हर्ज नहीं। आपसे देहरादून में मिलने आए थे सिद्धू खेमे के बहुत सारे लीडर, कल कैबिनेट की मीटिंग में भी तीन मंत्री नहीं आए, दूसरी तरफ देर शाम कैप्टन अमरिंदर सिंह का डिनर, तो ये डिवाइड तो साफ दिख रहा है। नहीं, चार मंत्री और तीन विधायक आए थे, उन्होंने जो बात अपनी बातें रखी हैं, जो सुझाव दिए हैं और जो उनके ग्रीवेंसेस हैं मैं उनको अपने तरीके से रिएड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो बात कांग्रेस अध्यक्ष के सामने रखनी होगी वो मैं उनको रिपोर्ट करूँगा। सर उत्तराखंड का भी, उत्तराखंड भी आपको बिल्कुल निपटेंगे और जब पंजाब में
सब चीजें ठीक तरीके से चल रही है। थोड़ा सा होता है चुनाव जब नजदीक होते हैं तो थोड़ी हलचल होती है, लेकिन उस हलचल का अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ सामान्य नहीं। मगर मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे ऊपर बहुत दिलचस्पी रखते हैं, तो आपकी जो हमें रुचि है तो उसके लिए मैं आप सब मीडिया के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़े चेहरे से बड़ा नूर झलक रहा है जी। सर पंजाब का कैप्टन कौन है? पंजाब का कैप्टन कौन है? पंजाब कांग्रेस का। आप हॉकी में होते तो आप हॉकी का कैप्टन होते।